आपको आज मैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसे इसका फोन में जिसका स्कमेटिक नहीं होता है उसके अपन ट्रेसिंग करेंगे और आपको फॉल्ट फाइंडिंग बताएंगे किस तरह से करना है। ये चीजें ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं, यहाँ से एक फोन में कैपेसिटर निकाल के रजिस्टर को जम्पर मार के वीडियो बना रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। आज आप इस हमारे चैनल में, क्योंकि हम हमेशा वो चीज़ डालते हैं जिससे स्टूडेंट सीखे, वो चीज़ नहीं डालते जो खाली एक फ़ोन को रिपेयर करें। हम चाहते हैं कि आप एक सर्किट से पूरे फ़ोन को रिपेयर करें और एक मास्टर, कंप्लीट मास्टर बने, ताकि आगे जाके टेक्नीशियन से टीचर बन सके। चलो भाई शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, ज़बरदस्त वीडियो। देखो मेरे पास, मैंने एक मीडियाटेक का मैंने बोर्ड ले लिया है, ओके, और मैं ये सारे बोर्ड चुके हैं, सो आपको प्रैक्टिकली चेक करके बताऊँगा। अभी हो गए, क्योंकि अपन थ्योरी वाले बाबा नहीं है, अपन हैं प्रैक्टिकल वाले बाबा, ठीक है। तो ये आपके सामने पीसीबी है एक वीवो की, और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि हमने वीवो का पीसीबी लिया है जिसके अंदर स्कमेटिक नहीं होता, और हमने स्कमेटिक लिया है किसी और फ़ोन का, ठीक है। वो किसी भी फ़ोन का हो सकता है, उसमें स्कमेटिक हमने किसी और फ़ोन का लिया है। अब हमने इसको सबसे पहले तो क्या किया है कि चार्जर लगा दिया है। आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका 5 वोल्ट का चार्जर लगा हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे चेक करके आपको दिखाता हूँ। और ये आपको एक बड़ी स्क्रीन के साथ आपको यहाँ पर हमने डिस्प्ले दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके 5 वोल्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जो कि आपकी चार्जिंग का पॉइंट है। और ये चार्जिंग का पॉइंट आपको आपकी चार्जिंग आईसी के अंदर जाता है, जो कि इसके अंदर एक 20 वोल्ट का BQ लगा हुआ है। तो हमारे को फिलहाल इसका सीन नहीं है, अपन बूट सिक्वेंस के हिसाब से, ये देखो ये BQ लगा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बेसिकली ये आपका BQ लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो फिलहाल अपन को इसका बूट सिक्वेंस चेक करना है। मान लेते हैं कि देखो इस बोर्ड के अंदर ये देखिए MMC उतरा हुआ है, और हम देख लेते हैं क्या ये बोर्ड MMC लगाने लायक है, क्या ये बोर्ड का सिक्वेंस बिल्कुल पूरा बन रहा है। तो हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, और इस वीडियो में ये वीडियो आपको पूरे YouTube में फर्स्ट वीडियो मिलने वाला है, जिसमें अपन विद प्रैक्टिकल सारी सिक्वेंस को चेक करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंदर मैंने बताया कि डायग्राम किसी और का है और बोर्ड किसी और का है, और ये प्रैक्टिकल समझने के लिए और ज़बरदस्त वीडियो रहेगा ये। और इससे आपने किसी भी मीडियाटेक का आप बहुत ईजिली चेक कर सकते हो, उसके लिए मुझे नीचे थैंक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को आदत नहीं है इन सब चीज़ों की। और आप बस एज़ा टेलीकॉम पर ट्रस्ट करें कि आपको जो मिलेगा वो बहुत बेहतर मिलेगा, और हमेशा बेहतरीन मिलेगा, बेहतर से बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि लो क्वालिटी या अनएजुकेटेड या फिर ऐसे कोई भी हम देने में बिलीव ही नहीं करते हैं, और थोड़ा बहुत कंटेन या 10-20 हज़ार वाला कंटेन नहीं है, ये कंटेन एक ज़बरदस्त कंटेन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपन बूट सिक्वेंस से। तो ये इमेज है अपनी, अपन ने इस इमेज को इस हिसाब से बनाया है कि आपने इसको सीरियल वाइज चेक करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लॉजिक एनालाइजर से बिल्कुल एक्यूरेट होगा, 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉजिक एनालाइजर से ये सारी चीज़ें, हाँ, इसका बूट सिक्वेंस बना है यूट्यूब में और गूगल में सब में घूम रहा है, पर अपन अपना ही चेक करते हैं। अपन इस सीरीज़ में जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है BBAT, तो अपन को सबसे पहले BBAT चेक करना है। तो देखिए चार्जर लगा हुआ है, तो पहला BBAT, और ध्यान रखिए ना, जितना आप कॉपी लेकर बैठो इस वीडियो के साथ, और कोशिश करो कि चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी कॉपी लेके बैठो और कोशिश करो कि सारे वोल्टेज लिखते जाओ। अपन यहाँ पर चेक करेंगे, तो ये BBAT हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप हम BBAT को चेक कर लेते हैं कि BBAT हमारा प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये करके, ठीक है। ओके, मेरा जम्पर ही टूट गया है, मैं इसमें एक बार फिर से जम्पर कर देता हूँ। अभी मैंने इससे पहले आपको एक मीडियाटेक का बूट सिक्वेंस पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको शुरू की चीज़ें को बहुत एक्सप्लेन किया था, ये नहीं किया मैं आपको बता रहा सीधे पावर की पे चले जाना, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, कॉपी कंटेन काफ़ी होता है, आपको तो पता ही है, और लोग नॉर्मली सिर्फ जो लिखा हुआ है वो पढ़ा रहे हैं। तो आप देखो कि यहाँ पर अब BBAT बनने लग गया है, 3.5 स्टेबल, तो ये आपका BBAT है। तो इसका मतलब है, BBAT का मतलब है हमारी चार्जिंग आईसी पर हमें काम नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे, हम सिर्फ सिक्वेंस की बात करेंगे, और भी कुछ अगर हमें बात समझना है तो आप एसर टेलीकॉम से जुड़ सकते हैं, उसके लिए और बेहतर और अच्छा बेहतरीन, तो आप एसर टेलीकॉम से जुड़ सकते हैं। तो BBAT हमारा डन है, और अगर हम डायग्राम में BBAT देखेंगे, तो डायग्राम के अंदर जो BBAT होता है
ठीक है। वो पावर आईसी के अंदर बेसिकली यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है हमारा, मतलब ये तो बिट मैप है हमारा, ये हमारा बी पैट है, और आप देखो तो यहाँ पर ये पावर आईसी के अंदर एज अ बी पी एच भी जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा जो बी पी एच हमें मिलने वाला है, यहाँ पर जो हमें बी पी एच मिलने वाला है वो भी हमें उतना ही मिलेगा फिर जितना हमें बी पैट मिल रहा है। तो फिर से देख लेते हैं, तो देखिए 3.5 मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो बी बैट है, यहाँ पर ये जो बी क्यू लगा हुआ है, तो इस बी क्यू से यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड है और हमारे बी पी एच को डायरेक्ट कनेक्ट, क्योंकि वीवो के मीडियाटेक में अक्सर क्या होता है अगर बी क्यू लगा है तो ये डी सी टू डी सी ऐसा ऐड कर रहा, पर यहाँ पर आप नोटिस खुद ही किया कि जो हमारा बी बैट है वही हमारा बी पी एच बनकर बैठा हुआ है। इसको चेक करने के लिए हम एक और काम कर सकते हैं, हम अपने चार्जर को हटा के, अगर मान लीजिए इन कैपेसिटर और इसमें कनेक्टिविटी है तो ये एक ही है, और अगर इनमें कनेक्टिविटी नहीं है तो इसका मतलब है कि ये बी पी एच है और ये बी बैट है, और बी पी एच मतलब एस वाई एस हम इसको सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर जो हम यहाँ पर अपनी कनेक्टिविटी को हटाकर यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, तो मैंने इसको चेक किया है, बजर मोड पे इसको रखा है, ठीक है। अब मेरा साइड बजर मोड पे है और एक सिरा मैंने यहाँ रखा है और एक सिरा मैंने यहाँ रखा है, तो देखिए ये बीप बजा रहा है। देखिए एक सिरा मैंने यहाँ रखा है इन कैपेसिटर पे और एक सिरा मैंने यहाँ रखा है, इसका मतलब है कि इन सेटों के अंदर जो ये 20 वोल्ट बी क्यू सेटों के अंदर अपना जो बी बैट है वही डायरेक्ट बी पी एच जैसा ऐड कर रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आईसी से ही बन के जा रहा है, यहाँ तो डायरेक्ट ही अपना बी बैट बना तो बी पी एच बन जाएगा, ठीक है। डन, अब अपन आगे उसमें चलते हैं। अब हमारा आगे का क्या बोलता है, तो डी डी एल ओ जिसको डीप डिस्चार्ज लॉकआउट बोलते हैं, यू बी एल ओ जिसको अंडर वोल्टेज लॉकआउट बोलते हैं, तो ये दोनों मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, और इनको चेक करने के लिए आप मेरा इसके पहले का प्रीवियस वीडियो चेक करो। अब इसके बाद जाते हैं पावर की, तो पावर की ऑब्वियस है, पावर की हमारे यहाँ पर पीछे लगी है, उसके लिए हमें कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, नोटिस करो। और वैसे भी इसका डायग्राम हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम डायग्राम किसी और का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम इसका पावर की चेक करेंगे, अपने मल्टीमीटर को वोल्टेज में डालेंगे, ठीक है। और अब हम इसका पावर की पर वोल्टेज चेक करेंगे, तो मीडियाटेक के अंदर 1.8 और 1.2 नहीं आता है, अगर हम बात करेंगे तो मीडियाटेक के अंदर 3.5 पूरा की पूरा आ रहा है, तो ये पावर की है। अच्छा ध्यान देना, अगर इस पर पावर की ना बने तो जरूरी नहीं, तो पावर आईसी चेंज मत करना, पावर आईसी के अंदर डी डी एल ओ यू वी एल ओ के आपको सेंस पैड चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप सीधे पावर आईसी उठा के चेंज करोगे और नहीं हुआ तो आप फिर ये बोर्ड नहीं बना पाओगे, ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट पे जाते हैं, अगले पॉइंट पे हमें जाना है और हमें चेक करना है वी रेफरेंस, क्योंकि हमें चेक करना है वी आर टी सी। अभी हम डायरेक्ट वी आर टी सी लिख दें तो ये दो कहाँ है भाई, वी रेफरेंस वी वी डी आई जी, तो अभी हमारे पास इस बोर्ड पे तो डायग्राम नहीं है, तो वी रेफरेंस कैसे चेक करें, तो हमने इस बोर्ड के लिए डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बोला, हम अपने पावर के एल डी ओ पर जाएंगे और वी रेफरेंस, और जो वी रेफरेंस होता है या फिर हमारा जो होता है वी आर टी सी और वी डी आई जी, हम तीनों को यहीं पर डायरेक्ट ढूंढेंगे और यहीं से डायरेक्ट चेक करेंगे। और ध्यान देना, वी रेफरेंस आपको मिलने वाला है इधर एल डी ओ के जस्ट अपोजिट में, यहाँ पर ये वी रेफरेंस है और यहाँ हमको मिल गया है टी चौदह पर हमें वी रेफरेंस मिल गया है। अब हमें इसको चेक करना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे और टी हमारा सबसे लास्ट में बनता है और 14 हमारा ये वाला पॉइंट है, तो ये हमारा कैपेसिटर होने वाला है वी रेफरेंस का। और इस पर अब हमें वोल्टेज, अब हम इस पर खुद वोल्टेज चेक करेंगे कि हमें कितने वोल्टेज मिलने वाले हैं। चार्जर लगाया है हमने, और ध्यान दें अगर आपका वोल्टेज ना बने तो आपने पावर की को शॉर्ट कर लेना है, तो आपने ये कैपेसिटर को चेक करना है। अब ये कैपेसिटर मैं वोल्टेज चेक करूंगा कि मेरे को वोल्टेज कितने मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर मिलना चाहिए 1.1 वोल्टेज समथिंग, यह हमें वी रेफरेंस पर मिलना चाहिए, तो ये वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलना चाहिए, ये देखिए तो 1 वोल्टेज पूरे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा वी रेफरेंस ओके है। ये दवा जला लगा, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अगला वोल्टेज हमारा है वी डी आई जी, मतलब ये डी आई जी जो है इसमें हमें वी डी आई जी करके ढूंढोगे तो आपको ये वोल्टेज नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये वोल्टेज हमें इसी के नीचे डी आई जी पावर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पावर आई सी एल टेन से निकल रहा है और ये कहीं नहीं जाता है, आप नोटिस करो, तो ये एल टेन पर है और एल टेन पर हम जाएंगे यहाँ पर पावर पे वापस और एल ढूंढेंगे, तो जो कि हमारा एल ये है यहाँ पर और एल टेन,
तो ये हमारा देखो DVD-D 1.8 DIG यहाँ पर होने वाला है। तो ये हमारा L10 का वोल्टेज है। तो अब हम इस वोल्टेज को चेक करेंगे। तो ये वोल्टेज पर हमें 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए जो कि हमें इस साइड मिलेगा। देखो स्टेबल है, इसका मतलब ये भी ओके है। तो सिक्वेंस के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो अब हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपना VRTC। तो VRTC आपका आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा क्या है। हाँ ये दे दो, ये उसमें से लाइव वाला खाली दे दो। अनिल को बुला लो यहाँ पर, एक मिनट अनिल को बुला लो यहाँ पर। बुला दे रहा हूँ। तो VRTC आपका R12 पे आ रहा है। तो R12 पे यहाँ पे जाएंगे। तो R यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, 12 नंबर पे जाएंगे। तो ये VRTC इस पे 2.8 वोल्टेज बनने चाहिए। तो ये वोल्टेज भी हम चेक कर लेते हैं, ये वोल्टेज भी हमारा आना चाहिए। तो इस पावर के अंदर नोटिस करो। तो ये VRTC आ रहा है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे VXO22। VXO22 ठीक है। तो VXO22 हमें चेक करना है। तो VXO22 हम ढूंढेंगे यहाँ पर। तो देखो VXO22 हमें T4 पे मिल रहा है। तो आप लिखते भी जाइए साथ साथ, तो आपने ये भी बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने T4 पे जाएंगे। तो हमारा जो T है, T सबसे आखिरी में ही है और 4 अपन को पहले मिल जाएगा। तो ये T4 है। तो ये वाले बड़े कॉम्पोनेंट पे हमें मिलने वाला है 2.2 वोल्टेज। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पर, दबाजा लगा। ये देखो ये कैपेसिटर है। अब बोर्नियो ने वहाँ पर रजिस्टर दिखाया है, ये गलती है बोर्नियो की। तो यहाँ पर आप देखो तो 2.2 वोल्टेज मिल रहा है जो कि बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है, फ्लक्चुएट कर रहा है जो कि, तो 2.2 वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो ये भी हमारा ओके है, हम ये मान लेंगे। अब हम जाएंगे आगे। अभी फ्लक्चुएट इसलिए कर रहा है क्योंकि पावर की दबी हुई है। ठीक है, मैंने पावर की को शॉर्ट मारा हुआ है इसलिए इसको ये फ्लक्चुएट कर रहा है। आप अगर पावर की को दबा के छोड़ोगे, सेट ऑन होगा, तो ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा और ये वोल्टेज स्टेबल रहेगा। ठीक है, अगला वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो अगला वोल्टेज हम चेक करेंगे वी ऑक्सिलरी। सो वी ऑक्सिलरी पर जाएंगे और वी ऑक्सिलरी आपको इसी के आसपास मिल जाएगा। ये देखो वी ऑक्सिलरी 1.8 आपको दिखाई दे रहा है, T5 की लाइन है। तो यहाँ पर जाएंगे, इसी के ऊपर वाली लाइन होगी हमारी। तो ये हमारे कॉम्पोनेंट पे जा रहा है, इन दो कॉम्पोनेंट पे जा रहा है। बी ऑक्सिलरी और दो पैडों से अलग अलग ज्वाइंट हो रहा है। AVDD 1.8 ऑक्सिलरी और जो ADC का सर्किट है जिसको एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर कहा जाता है, इस पर भी ये कनेक्ट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा इधर है, ये कैपेसिटर, दो जो कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, इन कैपेसिटर के एक कैपेसिटर पर लगा हुआ है। तो ये 1.8 वोल्टेज बन रहा है जो कि बिल्कुल ओके है। अब हम अगला वोल्टेज पर जाएंगे और अगला वोल्टेज हमें वी ऑक्सिलरी के बाद चेक करना है वी। तो आप खुद देख सकते हैं, मैं आपको खुद दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इसी कॉइल पे हम VS1 चेक करेंगे। ठीक है, नोटिस करो ये दो वोल्टेज प्रॉपर पूरा। ठीक है, तो ये दो वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल ओके है, पावर की शॉर्ट है इसलिए ये फ्लक्चुएट करेगा। अब इसके बाद हमें चेक करना है वी कोर वी मॉडम। तो हम पहले वी कोर चेक करेंगे। तो वी कोर भी एक हमारा बक सेक्शन है जो कि यहाँ पर भी हमें, ये देखो ये वी कोर है और वी मॉडम हमारा इसके बगल में होगा, ये हमारा वी मॉडम है। तो ये दोनों कॉइल हमारे वी कोर वी मॉडम है। अब इनका पैड नंबर भी निकाल सकते हैं और स्केमेटिक से हिसाब से बताएं तो ये हमारे बक सप्लाई है जो को आपको पता है SMPS सप्लाई है, जिसको हम सप्लाई मोड पावर सप्लाई कहते हैं, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई बेसिकली। तो ये वी प्रोसेसर के पैड हैं, वी कोड के पैड हैं और वी मॉडेम के पैड हैं। VPN ही बनेगा क्योंकि ये नेटवर्क के अंदर जाता है, VS1 बनेगा। ये 5 कॉइल वाला सर्किट है। इसके ऊपर का जो 7 के बाद 8 9 बनता है उसके अंदर आपके 5 कॉइल के ज़्यादा 8 9 10 कॉइल आते हैं जिसके अंदर VS2 भी आ जाता है और उसके अंदर LDO के अंदर VA12 आ जाता है। ठीक है, तो अभी हमें इस कॉइल और इस दोनों कॉइलों पर हमें वोल्टेज चेक करना है वी कोर और वी मॉडेम पर। ये तो इस पर हमें वोल्टेज जो मिलना चाहिए वो वोल्टेज मिलेगा हमें 0.8 0.7 इस तरह का। तो देखिए 0.8 दिखाई दे रहा है यहाँ पर
और ये इसके पीछे का कैपेसिटर होगा मे बी, तो ये भी हमें आ रहा है, तो डेट मीन ये हमारा बिल्कुल ओके है। आगे बढ़ेंगे, और ध्यान रखना मैं आपको सुकेंस बता रहा हूँ, यहाँ पे मोबाइल नहीं बना रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं सुकेंस ताकि हम अच्छे फ़ोन बना सकें, और जो स्टडी यूट्यूब में दी जाती है वो सिर्फ एक फ़ोन बनाने के लिए की जाती है। अब इसके बाद हमें जाना है VS2, तो VS2 हम चेक करेंगे। अब देखो क्योंकि ये अगर 8 सीरीज़ होती 9 होती तो VS2 आपका यहीं बन जाता, पर VS2 यहाँ नहीं बन रहा है, तो हम VS1 को अगर हम चेक करें तो VS1 हमारा आगे जाकर VS2 से मिलता है। ये तो पहले आपने पावर के अंदर जाके LDO बना लिया इसने, फिर उसके बाद देखो ये आ गया हमारा, ये कैमरा का एक LDO लगा हुआ है, और ये हो गया VA12 का एक LDO है हमें VS2, ये है VS2, तो VS2 का एक LDO लगा हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये LDO हमें चेक करना है टोटली। अगर हम यहाँ देखें कि तो ये LDO हमारा VS2 तक ले जाता है। अब हम यहाँ पे VS2 कैसे ढूंढें ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके तो VS2 जो 1.4 की लाइन है, तो जो VS1 हमारा VS2 बना रहा है, ये देखिए, तो VS1, सो जो VS1 है वो हमारा VS2 बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कॉयल यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम इसको इजीली ढूंढ सकते हैं। तो ध्यान देना, अगर हम VS1 को टच कर दें खाली ये, तो ये हमारा 8 लेग का IC या जो भी हमारा एक IC के अंदर एंटर कर रहा है वो हमारा BA12 और VS2, ये दो ICs हो सकती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर के अंदर एंटर कर रहा है, ये एक नंबर पे एंटर करता है, यहाँ पे 8 लेग की IC है जो साफ साफ दिखाई दे रही है। तो हमारी यही IC हमारा VS2 IC है, इसके 6 नंबर के लेग से हमारा आउटपुट निकलेगा, जो कि हमारा इस ये कॉयल है इसको R से दिखा रहे हैं ये लोग, और यहाँ से हमारा VS2 निकलेगा। बट मैं यही जानना चाहता था कि VS2 अंदर एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फीडबैक के रूप में एंटर कर रहा है या एक्स्ट्रा, तो ये F15 के अंदर तो ये एंटर कर रहा है। तो अभी आपके लिए आसान करना है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि आपने बाहर ही ढूंढना है, तो हम पावर AC के पास ही जाएंगे, ठीक है। और पावर AC के अंदर हमको जो हमारा VS2 चेक करना है वो F15 और F17 है। तो हम यहाँ पर अपना VS2 IC, VS2 को अब हम किसी भी पावर के अंदर बहुत इजीली चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें पैड पता चल गए हैं उसके। ये देखो ये VS2 दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि VS2 भी एक LDO की तरह आ रहा है, तो F15 F17 पे आ ही रहा है, तो हमको सीधे F15 F17 पे टच करना है, तो हमें ये VS2 का कॉइल मिल जाएगा, जो कि मैंने बताया ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा जजमेंट होगा। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए 1.4, तो हमें इस कैपेसिटर पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमें 1.4 मिल रहे हैं, डैट मीन ये बिल्कुल ओके है। अब VS2 के बाद में जो हमारी सप्लाई बनती है, तो VS2 सबसे पहले VA12 को बनाता है, उसके बाद VIO, फिर वी प्रोसेसर 1, फिर SRAM की सप्लाई, और फिर VMC को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम VA12 पर जाएं। अब VS2 हमारे VA12 को एक्टिव करता है, तो पर VA12 हमारा इस IC के अंदर एंटर नहीं करता है, ये हमारा CPU के अंदर एंटर करता है। तो हमें करना क्या है, हमें अपने VS2 को ढूंढने के बाद हमें देखना है कि VS2 कहाँ कहाँ किस किस जगह पे जा रहा है। तो आप यहाँ नोटिस करो, तो हमें एक छोटी सी IC मिलेगी, ये एक 6 लाख का IC है। तो यहाँ पर ये हमारा VA12 IC है। VA12 एक LDO है एक तरह का, जो CPU के लिए बनता है। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक आपका पोर्ट नहीं बनेगा, तो ये हमें चेक करना है VA12 यहाँ पर। तो हम इसको चेक करेंगे, नोटिस करो, यहाँ हमें 1.2 बनना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमारा एक जगह पे VS1, VS2 और एक जगह पे VA12, ठीक है, ये बिल्कुल ओके हैं। अब आप बोलेंगे फिर से कि फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ पावर की शॉर्ट की है। अब VA12 के बाद हम चेक करेंगे VIO 1.8 वोल्टेज। तो VIO 1.8 वोल्टेज के लिए हमें सिर्फ स्कीमेटिक की और अपने IC के डायग्राम की ज़रूरत है, और VIO को हम यहाँ से ढूंढेंगे। ये देखो B17 पे बन रहा है,
अच्छा वी आई ओ ध्यान देना, अलग तीन पैडों पे जाके ए वी डी डी 1.8 एस ओ सी मतलब सिस्टम को भी जा रहा है, ई एम एम आई वी डी डी 1 मतलब आपकी रैम के वी डी डी 1 का भी पार्ट है, और एक सेंसर पैड से जा रहा है यहाँ पर, आप दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट लाइन आपस में कनेक्ट भी नहीं करेगी सेंसर पैड में, यहाँ से यहाँ पर आपको बीप नहीं आएगा क्योंकि ये बीच में सेंसर पैड में जा रहा है। तो देखा जाए तो अगर बीप आता है तो इस गुड, नहीं आता तो समझ लेना तब भी 1.8 वोल्टेज आएगा, नहीं आने पर हमें यहाँ से यहाँ पर जंपर मार सकते हैं। सो वी आई ओ को हम चेक कर सकते हैं B17। तो अभी हम अपने पावर आई सी पर जाएंगे और B17 पर जाएंगे क्योंकि ये वीवो का है तो डायग्राम है नहीं, तो हमें B17 ढूंढना पड़ेगा। तो B17 सबसे आखिरी का पैड है ये, तो ये वी आई ओ हमें एक उसके बगल में कैपेसिटर ले आया। तो अब हम इस कैपेसिटर पर चेक करेंगे, हमको मिलना चाहिए 1.8 स्टेबल वोल्टेज, अभी तो फिलहाल नहीं चाहिए। ये देखिए 1.8 आ रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल ओके है। सो वी आई ओ तक हमारा सेट बिल्कुल ओके है, तो आप डायरेक्ट वी आई ओ चेक करेंगे तो आपको उसको प्रीवियस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमें चेक करना है वी प्रोसेसर 1। तो वी प्रोसेसर 1 मैं आपको बता दूं, ये भी एक बक की सप्लाई है जो कि हमारे पावर आई सी से बनती है और पावर आई सी के पैड से A6, तो आप A6 को नोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे और यहाँ पर हम इसको डालेंगे 0.8 के साथ, तो ये है मे बी बन रहा है इस ओके। अब इसके बगल वाला कॉइल हम इसलिए नहीं चेक करेंगे क्योंकि ये VPA का सप्लाई है, तो ले देके हमने सारे कॉइल तो पूरे चेक कर ही लिए हैं। अब इसके बाद हम सप्लाई चेक करेंगे VSRAM, तो VSRAM हमें चेक करना है। तो VSRAM की जो LDO है वो LDO से बनेगा, ये दो सप्लाई हमें चेक करना है, VSRAM प्रोसेसर VSRAM अदर, तो ये दोनों ही हमको यहाँ पर आप वोल्टेज देखेंगे तो 0.6 से 1.3 आपके बना सकते हैं, और 200 मिली एम्पियर पे इस पे आपको लोड मिलने वाला है G15 और G16। तो सीधा G पर जाएंगे और 15 और 16 पे करेंगे, तो G हमारा ये है ये, तो ये 15 है। तो पहले हमें इस कैपेसिटर पे चेक करना पड़ेगा, तो ये इस कैपेसिटर पे हमें देखते हैं कि हमें कितना वोल्टेज मिलता है। ये वाला कैपेसिटर, तो देखिए 0.9 वोल्टेज हमें मिल रहा है जो कि बिल्कुल ओके है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे G16। अच्छा G16 पे, हाँ G15 पे क्लिक किया था, G16, तो G16 पे हमें ये कैपेसिटर पे मिल रहा है। तो ये वाला हम चेक कर लेते हैं पहले, ये भी हमें मिल रहा है बिल्कुल ओके है। अच्छा ये नहीं मिलेगा तो आपने पावर आईसी पे ही काम करना है, और अगर उसके बाद भी ना मिले तो आपने सीपीयू निकाल के पावर आईसी पे काम करना है, और फिर भी ना मिले तो आपने बहुत ईमानदारी से शॉर्टिंग ढूंढनी है इनसाइड एंड आउटसाइड। अब इसके बाद हम चेक करेंगे VMMC, सो VMMC भी हमें यहीं पर मिलने वाला है। ये देखिए VMMC L17 का पॉइंट है, तो हम L17 पर जाएंगे, L17 मतलब लास्ट, ये है L17। तो यहाँ पर ये MMC के लिए जाने वाला 2.8 का वोल्टेज है, अगर ये नहीं मिलेगा तो आपका ऑटो पोर्ट बनेगा। यहाँ पर देखिए तो ये 2.9 बिल्कुल है, ये मैक्सिमम 3 वोल्टेज और 3.3 तक मैक्सिमम ये जाता है, जो कि आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा भी होगा VMMC के आगे, देखिए 3.3 मैक्सिमम तक ये वोल्टेज जाता है। अब इसके बाद हम जो वोल्टेज चेक करेंगे, इसलिए अगर आप वोल्टेज को सिक्वेंस वाइज नहीं लिख रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, आपने सिक्वेंस वाइज वोल्टेज को लिख लेना है। अब हम इसका चेक करेंगे VIO28। सो VIO28 भी हम यहाँ पर ढूंढेंगे, तो VIO28 हमें ये मिलने वाला है VLDO2.8। तो जैसे VIO1.8 हमने चेक किया, VIO2.8 हम चेक करेंगे, तो देखो ये VIO2.8 की लाइन है K15। K15 पर जाएंगे, 15 तो 15 यहीं आएगा, और K तो ये K15 है, तो ये कैपेसिटर पे मिलना चाहिए जो कि आप देखो तो एक सेक्शंस को जा रहा है ऊपर, और से पैलर है, तो ये एक तरह का एक LDO ही है। तो हमें यहाँ पर वोल्टेज हम चेक कर लेंगे, ठीक है K15, तो ये बड़े वाले कैपेसिटर में चेक कर लेंगे, देखो 2.8 वोल्टेज बन रहा है, दैट मीन VLDO 2.8 बिल्कुल ओके है, तो ये भी ऑफ कंडीशन में बनेगा। मैं सारे वही वोल्टेज चेक कर रहा हूँ जो ऑफ कंडीशन में बनेंगे, और
जो नहीं बनेंगे उसको चेक नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका सुटकेस को बराबर बना रहे। अब इसके बाद में हम चेक करेंगे VD RAM और VD RAM भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है LDO की सीरीज़ में। तो जो VD RAM आपको मिलने वाला है वो आपको यहाँ नीचे ये H17 और S17 पे हम जाएंगे यहाँ पर, जो भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। 17 बिल्कुल लास्ट बनता है, H यहाँ कहीं बनेगा आपका, ये बना है और ये 17 है, तो ये हमारा रैम को जाएगा। और इस पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, तो ये वाला जो है ये हमारे यहाँ पे बनना चाहिए। तो देखो 1.2 वोल्टेज बन रहा है जो कि बिल्कुल ओके है, ये VDD2 का वोल्टेज है हमारे जो रैम के अंदर जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें चेक करना है VUSB। तो VUSB हमारा भी वोल्टेज यहाँ पे कहीं बनेगा, तो VUSB ये बन रहा है और ये J14 का वोल्टेज है, J14 का पैड है और उस पर वोल्टेज 3 वोल्टेज बनेगा जो कि CPU को पोर्ट बनाने के लिए जाता है, J14। तो J14 आपका ये रहा, यहाँ पे भी कैपेसिटर्स हैं कुछ और ये डायरेक्ट CPU के अंदर जा रहा है। ये लाइन शॉर्ट हो जाती है तो भी फ़ोन बंद हो जाता है और आप इस लाइन को कट करके फ़ोन ऑन कर सकते हैं, पर चार्जिंग को डिसेबल हो जाएगी, एक तरह से डिसेबल ही हो जाएगी। तो ये आपका जो पैड है ये वाला नहीं है, एक मिनट मैं फिर से टच कर दूँ, जे जे करके पैड है, ये तो J14 ये कैपेसिटर आपके रहने वाले हैं। अब नाओ इन कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ इस नॉलेज पे आप, ये आप कहीं और यूट्यूब में आपको कहीं देखने मिलेगा नहीं, किसी और के हाथों से मिलेगा नहीं। अगर आपने यहाँ नहीं सब्सक्राइब किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आपने फॉलो नहीं किया। और अगर आपको इससे बहुत बेस्ट और पढ़ने आना है तो आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हमारे पास दोनों ही हैं। तो हम यहाँ पर आपको इस कैपेसिटर में बताएंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए 3 वोल्टेज मिल रहा है प्रॉपर, तो इसका मतलब VUSB भी ओके हमारा। तो इसलिए अब इस फ़ोन के अंदर बिल्कुल ही MMC को लगा कर हम फ़ोन को चालू कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपना वोल्टेज चेक करेंगे VAUDIO, VAUD। सो VAUD हमारा जो वोल्टेज है ये ऊपर बनता है, ये देखिए 2.8 और ये हमारा L7 पे बनेगा। L7 हमारा इधर है, 7, ये 7 हो गया और L ये हमारा L ये है, तो ये हमारा इधर बन रहा है जो कि ये कैपेसिटर में बनना चाहिए। और यहाँ पर बोर्नियो ने सब में रजिस्टर रजिस्टर डाल के रखा हुआ है, ठीक है, पर बोर्नियो ने कुछ नहीं डाला, सब चाइना का है, ये बोर्नियो का लिए अपलोड करके देता है और बाकी इसकी कॉपी करके देते हैं। तो 2.8 आ रहा है, डेट मीन ये भी ओके है। अब हम लास्ट चेक करेंगे रिसेट बी, और रिसेट बी जो है वो हम देखेंगे वो हमें कहाँ आ रहा है। तो रिसेट बी हमारे को LDO के अंदर नहीं मिलता है, हमारी कंट्रोल में मिलता है और ये मिलेगा R5, R5, R5 8 सेकेंड लास्ट है, 5 हमें यहाँ मिलेगा, ये 5 है। और अगर इसमें कुछ नहीं मिला तो इसको चेक नहीं किया जा सकता है, ये देखो डायरेक्ट लाइन है, तो मतलब रिसेट बी को चेक नहीं कर सकते हम, क्योंकि रिसेट बी है इंटीग्रेटेड लाइन जो कि सिर्फ IC to IC की लाइन है। तो अपन देखते हैं रिसेट बी को आने के बाद वॉच डॉग एनेबल होता है T8, क्या T8 में कोई सप्लाई दी गई है क्या? तो अपन T8 में एक बार देख लेंगे, T सबसे लास्ट पॉइंट है, 8, तो वॉच डॉग में कोई सप्लाई दी है क्या? ये तभी आएगी जब CPU लगा रहेगा 1.8, तो नहीं दी है तो हम इसको भी चेक नहीं कर सकते। तो जो टीचर कहते हैं रिसेट भी चेक कर लो, वो बहुत महान टीचर हैं और उनकी तो फोटो लगाई है क्या ही बोले। तो ये आपने जितना भी अभी आप देखा, ये पूरे वोल्टेज मैंने आपको उस फ़ोन के अंदर चेक करके बताया, जिस फ़ोन का कोई माई बाप नहीं है, कोई बोर्नियो में सोल्यूशन नहीं है। और तो हमने किस तरह से चेक किया है डायग्राम और पैड टू पैड, और आपको बूट सुकेंस देने की कोशिश की है। अगर आप
इससे भी बेहतर और इससे भी अच्छा चाहते हैं तो आप एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करो, और ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर मैसेज करो। जो भाई पाकिस्तान से हैं, जो भाई दूसरी कंट्री से हैं, पुर्तगाल हो गए या कहीं पे भी हो गए, और जो हिंदी को जानते हैं, तो हिंदी अगर जानते हैं तो आप हिंदी के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हिंदी और उर्दू के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप इस तरीके की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं एक बढ़िया क्वालिटी और कंटेंट लेवल पे, तो आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कीजिएगा, और एशिया टेलीकॉम कंटेंट आप ट्रस्ट करके ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि एकमात्र इंडिया में हमें जो विदाउट डेमो क्लासेस पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें डेमो की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डेमो उन लोगों को देने की जरूरत पड़ती है जिनका जिनको अपने आप को साबित करना है क्लास में स्टूडेंट के सामने कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं। और एशिया टेलीकॉम का इतिहास 2013 से, मतलब आप समझो कि बहुत पुराना इतिहास है, हम 2013 से टीचिंग का एक्सपीरियंस है खाली, और अभी आप 90% जितने भी टीचरों से जाकर लो क्वालिटी या लो फीस के चक्कर में पढ़ रहे हैं, और तो वो ज़्यादातर आप उनसे पहले पता कर लेना, उनको तो बताएंगे नहीं, तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना कि पता चला कि वो हमारे ही पढ़े हुए स्टूडेंट है और आप उन्हीं से पढ़कर आ गए। तो दोस्तों दो तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे एक इंजीनियरिंग हो गया नॉर्मल लोकल जो शहरों में 10-15 खुल गए हैं, और एक IIT हो गया। तो ये आप पर डिसाइड करना है कि आपको किससे पढ़ना है। बेसिकली जो इंजीनियरिंग होती है दोनों से ही हो जाती है, दोनों से डिग्री आ जाती है, पर एक नॉर्मल इंजीनियरिंग से पढ़ने के बाद आदमी पूरा अपना अपना बैकग्राउंड ही चेंज कर देता है। पता चला जाकर सब्जी का ठेला लगा रहा है या किसी फूल की चाट का ठेला लगा रहा है, आजकल कितने आ रहे हैं रील। और एक IIT से पढ़ा हुआ इंजीनियर CEO या कंपनी के लेवल का एक ऑनर बनता है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग कोर इंजीनियरिंग को समझता है। तो आप भी आपको ध्यान देना है, कहीं आप कम पैसों के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद और अपना समय दोनों ही ना बर्बाद कर दें और इस फील्ड को ही गाली कर दें। क्योंकि जिन देखो जिनके पास में क्वालिटी नहीं है, जो बेच नहीं सकते, ऑब्वियस है कि वो अपने आप को कम दाम पे रखेंगे ताकि दाम को जस्टिफाई ना किया जा सके। तो आपको ये समझना है कि आपको लो क्वालिटी कंटेंट में जाना है या हमारे पर। अगर आपको हमसे पढ़ना है तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आपके लिए हमारा एक्सपीरियंस खुला हुआ है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं और उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो ऑनलाइन अभी खुला हुआ है वो सिर्फ हार्डवेयर को है, और सिर्फ हार्डवेयर ही रहेगा आगे जाकर। तो हार्डवेयर और आप अगर आपको हमारे से सॉफ्टवेयर MNC करना है तो आप उसके लिए हमारे को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको देखिए दोस्तों हमारे पास में दोनों ही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन आना चाहते हैं तो आपको सिर्फ हार्डवेयर मिल जाएगा, और अगर ऑफलाइन चाहते हैं तो आप आइए, CPU कॉम्पिटिशन बैठे, डेली CPU कीजिए, अपने आप को उस लेवल पे बना लीजिए जिस लेवल पे आप अभी सोच भी नहीं सकते। तो चलो शुरुआत करते हैं इस बोर्ड पे किस तरह से फॉल्ट फाइंडिंग हम कर सकते हैं।